नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीबीए के टॉप कॉलेज जो कि दिल्ली में है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो भी हम लिस्ट सर्च करते हैं टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली, टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली NCR जो हम सर्च करते हैं, वो मोस्टली जो वेबसाइट रिजल्ट हमको शो करता है वो स्पॉन्सर्ड होता है। स्पॉन्सर्ड मतलब जो कॉलेजेस एसोसिएट होते हैं वेबसाइट्स के साथ या फिर जो कॉलेजेस ज़्यादा पे करते हैं उनका नाम हमेशा ऊपर दिखाया जाता है लिस्ट के अंदर। So, आज जो हमने लिस्ट बनाई है वो प्रॉपरली कॉलेजेस के एकेडमिक्स और उनके कट ऑफ के बेसिस पे बनाई है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में बनाते हैं एजुकेशनल वीडियो। बीबीए इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 3 साल का प्रोग्राम होता है। 6 सेमेस्टर में हम इसको डिवाइड करते हैं। आफ्टर द 12th क्लास बच्चे इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और काफी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है तो इसलिए बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इस कोर्स में। और आफ्टर दी बीबीए आप एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर्स में स्टडी कर सकते हैं। बीबीए करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है 50%। अगर आप किसी भी रेप्यूटेड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपका एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है यूनिवर्सिटी जिसकी एलिजिबिलिटी होती है मिनिमम 50% इन योर बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स। और जो बच्चे SC ST OBC से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। काफी सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पे अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। दिल्ली में 3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि आपको बीबीए कोर्स ऑफर करती है। फर्स्ट इज योर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, सेकंड वन इज योर आईपी यूनिवर्सिटी, थर्ड वन इज योर दिल्ली यूनिवर्सिटीज। इनके अलावा जो कॉलेज इनके साथ एफिलेट है, मतलब आईपी यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज एफिलेटेड है, जो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वो भी आपको बीबीए कोर्स ऑफर करती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बीबीए के टॉप कॉलेज जो कि दिल्ली के अंदर है। फर्स्ट नंबर पे हमने रखा है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जो कि डॉक्टर के एन कटजू मार्ग रोहिणी सेक्टर 16 में है। सेकंड नंबर पे हमने रखा है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि जनकपुरी में है। थर्ड नंबर पे हमने रखा है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो कि पीतमपुरा में है। फोर्थ नंबर पे हमने रखा है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि मौलाना मोहम्मद अली जोहर मार्ग जामिया नगर में है। फिफ्थ नंबर पे हमने रखा है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रोहिणी में है। सिक्स्थ नंबर पे हमने रखा है भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज जो कि मधुबन शकरपुर में है। सेवंथ नंबर पे हमने रखा है जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि रोहिणी में है। एट्थ नंबर पे हमने रखा है जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि वसंत कुंज में है। नाइन्थ नंबर पे हमने रखा है ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो कि द्वारका सेक्टर 9 में है। टेंथ नंबर पे हमने रखा है रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो कि पीतमपुरा में है। तो दोस्तों, ये थी बीबीए के टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट जो कि आपको दिल्ली में बीबीए प्रोवाइड कराते हैं और अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा एकेडमिक्स और अच्छा एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको इस लिस्ट को 1-3 के लेवल पे जज करना है। इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो वहाँ पे अपना सीट जरूर सिक्योर कराइए। किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल्स, आपके परफॉर्मेंस, आपका जो एकेडमिक्स स्कोर रहा है थ्रू आउट द ईयर 3 ईयर्स में, उसके ऊपर आपकी प्लेसमेंट डिपेंड करती है। सो कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे को टॉप 1 में नहीं मिला, टॉप 3 में नहीं मिला। जो भी कॉलेज इन लिस्ट में से आपको मिलता है वहां पे आप अपना एडमिशन सिक्योर कराइए और साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है आप। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है इन कॉलेज को लेके, कोर्सेज को लेके, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।